हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं आरडीएच सर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सोनेदीव ऐप पर केबीसी प्ले अलॉन्ग में आज 20 दिसंबर जो है आज 2020 का 20 दिसंबर 2020 संडे की जो क्विज है वो हम खेलने वाले हैं। एलआईसी स्पॉन्सर्ड ऑफलाइन क्विज में हमने क्लिक किया हुआ है बैनर पर और पहला सवाल आ चुका है, विच आईलैंड इज रिगार्डेड एज द फोर्थ लार्जेस्ट आईलैंड इन द वर्ल्ड। तो दोस्तों, ये है क्वेश्चन। ऑप्शन ए मदागास्कर, ऑप्शन बी बोर्नियो, ऑप्शन सी है ग्रीनलैंड, ऑप्शन डी होंशू। दोस्तों, कल ही सवाल आया था कि सबसे बड़ा आइलैंड पूछा गया था जो कि था ग्रीनलैंड, तो ग्रीनलैंड तो इस प्रश्न का ऑप्शन है नहीं, बचा मदागास्कर, बोर्नियो और होंशू। और इन तीन में बचा हुआ जो उत्तर है मदागास्कर, एक जो है ऑप्शन ए वो सही उत्तर है। मदागास्कर जो है वो चौथा सबसे बड़ा आइलैंड है और सबसे बड़ा पहले नंबर का जो आइलैंड है वो है ग्रीनलैंड। सब अंक हमें मिल चुके हैं। दूसरा जो सवाल है दोस्तों, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सैक्रेड हंगर। सैक्रेड हंगर जो बुक है उसके ऑथर का नाम ऑप्शन ए माइकल ऑनदार्ज, ये नहीं है क्योंकि कल के प्रश्न का उत्तर था ये, ऑप्शन बी बैरी अन्सवर्थ, ऑप्शन सी पीटर कैरी और ऑप्शन डी हिलरी मेंटेल। हिलरी मेंटेल भी नहीं है, बचा पीटर कैरी और बैरी अन्सवर्थ। इसका सही उत्तर बैरी अन्सवर्थ है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद में अब दोस्तों अगला जो तीसरा सवाल आ चुका है वो है, विच बुक वन द मैन बुकर प्राइज इन द ईयर 1994। 1994 में मैन बुकर प्राइज किस बुक को मिला। ऑप्शन ए फास्टिंग फिस्टिंग, ये नहीं है क्योंकि इसके पहले इसके बारे में प्रश्न आया हो चुका है। इन कस्टडी ऑप्शन भी, ये भी नहीं है। क्राई द पिकॉक और हाउ लेट इट वॉज हाउ लेट, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हाउ लेट इट वॉज हाउ लेट। 1994 का बुकर प्राइज पूछा गया है और इसके पहले जो ऑप्शन ए और बी था उसके बारे में ऑलरेडी सवाल पूछे गए थे मैन बुकर प्राइज के। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैन बुकर प्राइज का वही सवाल फिर से उसी साल का नहीं आ सकता, पर इसका नहीं था। अगला प्रश्न है, नेम द कैपिटल सिटी ऑफ नागालैंड। नागालैंड जो भारत का राज्य है उसकी राजधानी का नाम। ऑप्शन ए दिमापुर, ये किसी भी राज्य की राजधानी नहीं है। ऑप्शन बी वोखा, ये भी किसी भी राज्य की राजधानी नहीं है। ऑप्शन सी कोहिमा है नागालैंड की राजधानी, और ट्यूनसांग भी किसी भी राज्य की राजधानी नहीं है। तो ये चारों नागालैंड में स्थित शहरों के नाम है, और अगर मान लीजिए कोई अन्य राज्य की राजधानी का नाम दिया रहता तो शायद कंफ्यूजिंग होता भी था। अगला जो सवाल है, अगेंस्ट विच टीम डिड सुरेश रैना मेक हिज टेस्ट डेब्यू। सुरेश रैना ने अपना टेस्ट डेब्यू जो है वो किस देश के खिलाफ किया था टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू। ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी वेस्ट इंडीज। इसका सही उत्तर है श्रीलंका। श्रीलंका के खिलाफ जो है सुरेश रैना ने टेस्ट में डेब्यू किया हुआ था, और जो रिटायरमेंट धोनी के साथ में ही उन्होंने रिटायरमेंट डिक्लेयर किया, जब धोनी ने किया तभी उन्होंने भी डिक्लेयर किया। अगला प्रश्न है, हु इज़ द करंट सीईओ ऑफ हीरो ग्रुप। हीरो ग्रुप के वर्तमान सीईओ का नाम क्या है। ऑप्शन ए प्रदीप दिनोदिया, ऑप्शन बी सुमन मुंजाल, ऑप्शन बी टीना त्रिका और ऑप्शन डी डॉक्टर पवन मुंजाल। दोस्तों मुंजाल है इतना तो कन्फर्म है, बचा है सुमन मुंजाल या पवन मुंजाल, तो आई थिंक ये पवन मुंजाल होने चाहिए, ऑप्शन डी होने चाहिए मेरे हिसाब से। जी हाँ, सही है, मुंजाल तो मुझे भी पता थे, नाम दोनों मुंजाल देने की वजह से थोड़ा कंफ्यूजिंग था। खैर, प्रश्न का उत्तर सही हुआ है और 600 अंक मिल चुके हैं। सातवां प्रश्न है, विच सिटी इन इंडिया इज नोन एज द कैशियो कैपिटल ऑफ इंडिया। कैशियो कैपिटल मतलब कि काजू की राजधानी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है। कोल्लम, कोलकाता, कुर्ग और अलाप्पुझा। इसका सही उत्तर है कोल्लम। कोल्लम बहुत सारे, कोल्लम में जो है काजू कैशियो मतलब कि काजू होते हैं, तो कोल्लम को काजू की राजधानी या कैशियो कैपिटल के नाम से जाना जाता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी जो आठवां सवाल है वो आ चुका है, अकॉर्डिंग टू हिंदू बिलीफ लॉर्ड विष्णु टूक द फॉर्म ऑफ विच एनिमल इन हिज वराह अवतार। वराह अवतार के वक्त जो हिंदू पुराण मतलब हिंदू विश्वास के अनुसार लॉर्ड विष्णु ने किस जानवर का अवतार लिया। स्नेक, बोर, लायन, ड्वार्फ। इसमें मुझे कन्फ्यूजन है, मैं लाइफलाइन पहले लेता हूँ, बोर को मैंने लॉक किया, ड्वार्फ भी हो सकता है। जी हाँ, बोर सही है, हालांकि मुझे थोड़ा सा डाउट था, आई थिंक सुअर होना चाहिए, बोर मतलब यस सुअर या। अगला प्रश्न है, विच टैबल्यू वोन द सेकेंड बेस्ट टैबल्यू अवार्ड फॉर रिपब्लिक डे परेड 2020 इन न्यू दिल्ली। 2020 जो न्यू दिल्ली में जो रिपब्लिक डे परेड हुई थी उसमें बेस्ट टैबल्यू का जो अवार्ड है वो सेकेंड बेस्ट टैबल्यू का अवार्ड किसे मिला था। असम को तो पहला मिला था, तो असम राजस्थान नहीं है, महाराष्ट्र गुजरात भी नहीं है, राजस्थान गुजरात भी नहीं है, ओडिशा उत्तर प्रदेश है। असम को तो पहला मिला था, इसके पहले सवाल आ चुका था, और ये सेकेंड बेस्ट बोला गया है तो ओडिशा और उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है।
और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन विच ईयर डिड सुभाष चंद्र बोस पास अवे, किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु हुई। ये जो है एयरप्लेन क्रैश में हुई थी उनकी मृत्यु, तो 1914 जो अभी भी संदेहास्पद ही मानी जाती है, जिसको कहीं अभी भी सुराग नहीं मिले कुछ है। ऑप्शन ए 1914, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन सी 1945 और ऑप्शन डी 1932। और तब देश आज़ाद नहीं हुआ था और 1945 इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि उसके हाल ही में जो है बाद में देश आज़ाद हुआ, तो 1945 इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और RDSR चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन नॉलेजेबल है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।